How do you do? हेलो गाइस, सो आज हम अपने दूसरे खेत से घास ढूंढने वाले हैं। और आज भी मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगी, बट आई विल ट्राई कि मैं 9 बजे से पहले फ्री हो जाऊं और मैं अपने सभी सेशन अच्छे से कंप्लीट करूं। एंड हियर वी गो। रितु, गुड मॉर्निंग। मम्मा और इसने पूरी रात, रात को कितने बजे उठे थे? 12:02 पे। रात को ना थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई थी, तो हमें लगा कि पता नहीं ज़्यादा बारिश ना हो जाए, मम्मा को लगा बेसिकली। तो इन्होंने रात को 12 बजे उठ के पूरी घास की टोली लगाई। मुझे वो व्लॉग में लेना था, पर इन्होंने मुझे बताया भी नहीं। आप किसके लिए जा रहे हो दीदी? बहना हमारे लिए लक्कड़ लाती हुई। जिससे मैं ऐसे चलती हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि लक्कड़ उठाने की ना शर्म नहीं होती। आप या तो कम बोझा उठाएं या तो फिर अपने साथ सहारे के लिए एक लक्कड़ ज़रूर लें, क्योंकि आज की डेट में ना आप किसी से भी पूछोगे तो सबसे बड़ी समस्या आपको कमर दर्द, घुटना दर्द यही मिलेगी। तो इसके लिए या तो कम बोझा उठाएं या तो फिर अपने लिए एक सहारा लें, जैसे कि हम लोग लेते हैं। ये देखिए भाई, ये टोली लगाई इन्होंने रात को 12 बजे। सो जैसा आप सब लोगों ने देखा कि आज मैं रनिंग करने नहीं जा पाई, क्योंकि हम सुबह सुबह खेत चले गए थे, और सुबह इसीलिए क्योंकि मम्मा को फिर स्कूल जाना होता है। सो हमारा टारगेट होता है कि हम अपना सारा काम सुबह ही ख़त्म कर ले। पर जैसे ही मैं खेत से आती हूँ तो मैं डेली रूटीन के जैसे पहले नहाती हूँ और फिर मैंने लक्ष्मी माता की पूजा की, क्योंकि आज धनतेरस था। और अराउंड 10 बजे के आसपास मैं फ्री हो गई थी, बट आज मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं पहले खाना खा लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी भूख लग गई थी। और 10 बजे मैंने अपना फर्स्ट सेशन शुरू किया, जिसको कि 12 बजे जो ख़त्म हो चुका था, और उतने में ही तन में आ जाता है। प्रणाम आयुष्मान। एक्टिविटी करने से पहले 100 बार सोच नहीं, आई व्लॉगर लोग बस, ये कभी भी अपना कैमरा लेके ऐसे जा सकते हैं। और तुम यहाँ पे अपनी नाक साफ कर रहे हो, अगले दिन तुम्हें पता चला कि ओ माय गॉड, इस वीडियो में तो तुम ही थे। तो तन्मय के साथ गप्पे मारने के बाद मैं अराउंड 1:30 बजे अपना सेकंड सेशन शुरू करने बैठती हूँ, बट फिर मुझे किसी काम से नानी के घर जाना पड़ जाता है। और जैसे ही मैं वापस आती हूँ, लिटरली मुझे इतनी नींद आ रही होती है कि मैं सीधा सो गई और सीधा जाके 3 बजे उठी, और इसी बीच में मम्मा भी आ जाते हैं। सो इतना सुंदर मौसम हो रखा है, इतना सुंदर मौसम हो रखा है कि हाय, मन बहुत खुश हो जाता है। आ जाओ मैं दिखाती हूँ। देखिए दिवाली की सफाई करते हुए लोग, और ये कुछ बेले लोग। ओ प्लीज, आई हैव मोस्ट प्रिशियस वर्क, यू नो, रिकॉर्डिंग यू। सो अराउंड 4 बजे सब लोग खेत चले जाते हैं, और मुझे लगता है अब मैं अच्छे से 4 से 7 पढ़ूंगी और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। बट शायद मेरी किस्मत को ये भी मंजूर नहीं था। मैंने 4 से 5 एक घंटा पढ़ाई की, बट 5 बजे कोई आ जाता है, और क्योंकि मम्मा घर पे नहीं थे तो मुझे उनके पास बैठना पड़ता है और मेरी पढ़ाई स्टॉप हो जाती है। बट मैं अराउंड 5:30 बजे फ्री हो जाती हूँ और मैं डिसाइड करती हूँ कि आज मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगी, ताकि मैं अपने सेकंड सेशन का 1 घंटा कंप्लीट कर सकूँ। हेलो एवरीवन, तो अभी बज रहे हैं 7 और मैंने अभी लिटरली सिर्फ 2 ही सेशन कंप्लीट किए हैं, विच मीन्स 4 घंटे, और मुझे अभी 4 घंटे और पढ़ना है। मैंने थोड़ा कम खाना खाया है सो दैट I don't fall asleep. So let's see what I will be doing. Bye bye. So, क्यों गए आप लोग?
इतनी जल्दी क्यों सो गए भाई? सो इट्स 10 और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा पढ़ने का, पर अगर मैं अभी छोड़ देती हूँ और अपने सेशंस कंप्लीट नहीं करती हूँ देन फिर से वो सेम रूटीन हो जाएगी और ये एक हैबिट बन जाएगी। कोशिश करती हूँ, वैसे भी 1 घंटा ही बचा है, आई हैव टू डू। सो मैं जैसे तैसे अपने आप को 11 बजे तक बिठाती हूँ और इस तरह से मैं अपने बचे हुए 4 घंटे भी पूरे कर लेती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं कंटिन्यूसली 4 घंटे बैठती हूँ, नो, आई डू गिव माई सेल्फ ब्रेक सो दैट आई कैन लर्न बेटर। एंड दिस इज़ इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो, बाय बाय।